अब नीली जर्सी में दहाड़ेगा सिक्सर किंग। यूवी ने खास अंदाज में दी फैंस को खुशखबरी। टीम इंडिया को दो विश्व कप दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले स्टार बल्लेबाज युवराज सिंह अगले साल नीली जर्सी पहनने को तैयार हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज को मंगलवार को जयपुर में संपन्न आईपीएल नीलामी में मुंबई इंडियंस ने उनकी बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए में खरीदा। अब 2019 आईपीएल में युवी मुंबई के लिए खेलते देखेंगे। इससे पहले युवराज किंग्स 11 पंजाब का हिस्सा थे, लेकिन वहां प्रभावी प्रदर्शन नहीं कर सके। इसके बाद फ्रेंचाइजी ने इस साल उन्हें नीलामी से पहले रिलीज कर दिया। 2019 आईपीएल के लिए नीलामी में युवी को पहले दौर में खरीदार नहीं मिला था। यह देख युवी के फैंस को जोरदार झटका लगा और उन्होंने अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर फोड़ा। यह देखना वाकई निराशाजनक था कि भारत के विश्व कप के हीरो पर कोई बोली ही नहीं लगा रहा। हालांकि अगले दौर में युवी के लिए मुंबई इंडियंस ने बोली लगाई और 37 वर्षीय बल्लेबाज को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया। वैसे चेन्नई सुपर किंग्स ने भी युवी को लेकर माहौल बनाया था कि वे उन पर दाम लगा सकती है, लेकिन नीलामी के दिन उसने अपना पैडल नहीं उठाया। बहरहाल युवराज सिंह नीली जर्सी पहनने को लेकर बेहद उत्सुक दिखे। रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली मुंबई इंडियंस का हिस्सा बनने पर युवी ने खुशी व्यक्त की। युवराज ने ट्वीट किया, मुंबई इंडियंस परिवार का हिस्सा बनकर काफी खुश हूं। सीजन की शुरुआत का इंतजार है, जल्द मिलेंगे रोहित शर्मा। इसके अलावा युवराज ने मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए एक वीडियो भी तैयार किया, जिसमें उन्होंने अपने ही अंदाज में फैंस के समर्थन की मांग की। यह देखना रोचक होगा कि युवराज आगामी सीजन में कैसा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि यह उनके करियर का आखिरी आईपीएल सीजन भी हो सकता है। याद हो कि एक समय युवराज सिंह आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे। 2015 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने युवी को आईपीएल नीलामी में 16 करोड़ में खरीदा था।